आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आलिया भट्ट की मूवी का एक टीजर जो कि कल ही आउट हुआ और हम लोगों को सजेशंस मिली, लेकिन जब तक हम लोगों को सजेशन मिली थी तब तक हम बहुत लेट हो चुके थे। तो फाइनली आज हम लोग देखने जा रहे हैं और टाइटल क्या बताएंगे मौज़म? टाइटल है डार्लिंग्स। मतलब मुझे मेरे डार्लिंग भी नहीं, डार्लिंग्स। ओके, मुझे तो कह रही हूँ उसे गाना मुझे याद आ गया, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। हाँ, वो डार्लिंग था ना, डार्लिंग्स नहीं था। अच्छा चलो देखते ना अभी क्या है इसमें। एनीवे अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट किया है जसमीत के रीन ने, और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें गौरी खान, आलिया भट्ट और गौरव वर्मा, और स्टार कास्ट में है आलिया भट्ट, शिफाली शाह मेरी एक और फेवरेट एक्ट्रेस, इनाया चौधरी, विजय वर्मा कर गई हैं। ओके, विजय वर्मा भी, और रोशन मैथ्यू हैं, राजेश शर्मा है, और साथ में विजय मौर्या हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का टीजर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का रिसीव लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो के इनके चैनल को, उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लेकर इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर और फॉलो करें। एक मेंढक नदी के पास आराम कर रहा था। डिफरेंट लग रही है, आई थिंक बाढ़ से परेशान एक बिच्छू रोते हुए आया। बिच्छू ने मेंढक से पूछा, ए मेंढक, मेरे को प्लीज नदी पार करवा देना। मेंढक बोला, पर तूने मुझे काट लिया तो? मरेगा। बिच्छू बोला, अरे तू मैड है क्या? अगर मैं तेरे को काटा तो हम दोनों डूब जाएंगे। ये मैंने सुना है। मैंने भी। तो मेंढक ने बिच्छू को अपने पेट पे बिठाया। मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम बकवास कर रहे हो कि वो बकवास कर रहा है? कौन? पर तैरते तैरते वो जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे, हमजा कहाँ है? बिच्छू ने मेंढक को काट लिया। कौन? मेंढक ने पूछा, तूने मुझे क्यों काटा? फितरत। बिच्छू बोला, स्टार्टिंग से ही आपको गलत फहमी हो रही है सर। गलत फहमी? हाँ साहब, सिर्फ ख्यालों में मारा था। किसमें? ख्यालों में साहब। मेरे माथे पे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है साहब। क्यों? भई आलिया भट्ट की फर्स्ट लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट लगी। हालांकि हमने उनकी काफ़ी ज़्यादा मूवीज देखी हैं, लेकिन इस तरह की लुक जो है ना मैंने उनकी कभी नहीं किसी मूवी में देखी। आपने देखी है? नहीं देखी नहीं, बट पता नहीं क्यों मुझे चमेली मूवी की थोड़ी सी याद आ गई आलिया भट्ट की लुक से, यानी कि नोज पिन जैसे पहनी है ना, और थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन और कुछ इस तरह से मुझे लगा। बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं मिलती जुलती करीना कपूर मैम की और आलिया भट्ट की, डिफरेंट है। बट मुझे एक झलक वो उस तरह की नजर आई उनके, यू नो, जो गेटअप है उसमें। तो मैं कहूंगी कि जो टीजर है वो एक रहस्य से भरा हुआ टीजर हम लोगों ने आज देखा है। अच्छा, वैसे तो हाँ, क्योंकि ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है, तो मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा इसमें एक हंसी मजाक तो नजर आएगा, बट आई थिंक बहुत मीनिंगफुल भी कहीं ना कहीं पर चीजें जो है वो नजर आएंगी। अच्छा, वैसे तो ये मूवी जो है ब्लैक कॉमेडी है, लेकिन जो है ना मुझे साथ साथ थोड़ी सी ना मिस्टीरियस और थ्रिलर टाइप इस तरह की भी जो है ना वो लगी है। वैसे वैसे जो क्या नाम लेते हैं, स्टार्टिंग में एक वो स्टोरी सुना रहे थे ना बिच्छू और वो मेंढक वाली, अगर ये बात करें तो हम ये बचपन से सुनते आए हैं, और जो है ना फिर एंड में मेंढक भी गोते खाना शुरू कर देता कि मेरी भी आदत है, यानी कि ये सीन इसलिए होता है। लेकिन जो है अभी जब ट्रेलर आएगा फिर थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भाई मूवी में चलेगा क्या। बिल्कुल, बट मैं पोस्टर दे रही थी तो पोस्टर बड़ा मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा होगा ऐसे जॉली टाइप की मूवी होगी, आपको मतलब यू नो ह्यूमर नजर आएगा, काफी ज्यादा ह्यूमर हमें नजर आया है इसमें। बट आई थिंक कुछ सीरियस जो एक टॉपिक है ना वो भी हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा। पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीच में शिफाली शाह जी और आलिया भट्ट, हाँ कहीं ना कहीं पर मुझे ये भी गेम चलाती हुई लग रही है। और साथ में जो विजय वर्मा है ना, उनका रोल कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि वो एक होता है ना कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी पर्सनालिटी होती है, उस तरह का बंदा दिखाया गया कि जो डाउट करता है।
क्योंकि बाद में जो मतलब आलिया भट्ट की एक झलक आती है जहां पर वो लिपस्टिक लगाती है, तो उनका एक यहाँ पर मार का निशान भी नजर आता है कि किसी ने हिट किया वगैरह आंख के पास। ये वैसे लग तो कुछ इसी तरह रहा है, क्योंकि जो हमने इसमें देखा है ना उसमें तो कुछ जो रोल्स हैं वो भी है, विजय वर्मा जो है वो उनके बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, जिनसे बाइक पे बैठते हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड बनाए हुए हैं, तो उस पे भी डाउट वही ना। हाँ बाल, एक तो बाल भी पकड़ते हैं, फिर उसके बाद जैसे हम मिरर में देखते हैं उन्हें एक शक की निगाह से। वैसे मूवी जो है मजे की होगी, क्योंकि शेफाली शाह जी की मैं बात करूं, बेशक कम मूवीज ये करती हैं, कम वेब सीरीज करती हैं, यार उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत वर्सटाइल एक्ट्रेस है भाई वो, अच्छी एक्ट्रेस है, मजा आता है देखने। वेब सीरीज ऐसे ज्यादा मैंने देखी है, मूवीज भी देखी इनकी है। वो ह्यूमन वेब सीरीज, हाँ एग्जैक्टली वो भी देखी, फिर उसके अलावा मूवीज में भी देखा हुआ है, अक्सर मूवीज में देखा हुआ है, लेकिन ये कि ये मुझे टीजर बहुत पसंद आया। और नेटफ्लिक्स पर ये 5 अगस्त को रिलीज हो रही है। और विजय मौर्या जो कि हमें लास्ट कुछ क्लिप्स में नजर आए, जो कि पुलिस वाले बने हुए कर रहे हैं, और जिन्होंने बोला कि मेरे माथे पे कुछ नजर आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं कुछ लिखा नजर आ रहा है, तो वो विजय मौर्या है, मतलब है उनका नाम है, और जो डायलॉग्स में जिनका भी नाम आ रहा है वो भी विजय मौर्या है, उनका नाम आ रहा है। तो अभी तो देखने में तो बहुत मजा आया है, डायलॉग्स भी अच्छे थे, जो एक स्टोरी लाइन है वो भी अच्छी लग रही है कि होगी, काफी ज्यादा मिस्ट्री हम लोगों को इसमें नजर आ रही है। तो आई होप कि जो हम ट्रेलर इसका देखें तो वो और ज्यादा हम लोगों को मजा आए, और ट्रेलर जब हम मूवी देखें तो हमें और ज्यादा मजा आए, कोर्स मूवी देखें तो और ज्यादा मजा आए। तो चलिए आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये टीजर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या लग रहा है कि स्टोरी किस तरह की होने वाली है। मुझे तो लगता है कि कुछ सोशल इश्यू जरूर इसमें डिस्कस किया गया है, ये तो आप जब आएगी फिर पता चलेगा कि इसमें क्या है, क्योंकि हमारे वैसे यहाँ पे जो सोशल इश्यूज पे मूवीज बनती है ना उन्हें देखने में तो अपना ही मजा, क्योंकि हमारे माशरे के जो एक कोर इंटरेस्ट होते हैं, जो कोर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। और नहीं, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का भी बोलना चाहूंगी कि वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह से एक मैं कहूंगी कि फ्रेम बना रहा था कि जिस तरह से कोई आपको बहुत तजस्सुस होना शुरू हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है, इस तरह का एक म्यूजिक था। तो ओवरऑल अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी ट्रेलर आएगा इंतजार करते हैं, फिर देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में, इसी साथ हमें ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।